नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले शत्रुघ्न सिन्हा, 6 अप्रैल को पार्टी में विधिवत होंगे शामिल। बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे और नवरात्रा में अच्छी खबर देने की उम्मीद की है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर बताया कि सांसद नेता तथा अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिले, वह सच बोलते रहे और खामोश नहीं रहे हैं। आज तक उन्होंने राष्ट्रहित के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का निश्चय किया है। 6 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि बताएंगे और हमारी ओर से किसी भी तरह की देरी नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए पटना साहिब सीट को लेकर उन्होंने बताया कि मैं कई बार कह चुका हूं कि सिचुएशन चाहे जैसा भी रहे, लोकेशन वही होगी, यानी सीट पटना साहिब से ही लड़ूंगा। इससे पहले जानकारी थी कि बागी भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 28 मार्च को कांग्रेस का हाथ थामेंगे पटना साहिब टिकट कटने के बाद। श्री सिन्हा 28 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें बिहार की पटना साहिब सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। वह इस सीट से लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर जीत चुके हैं। बीजेपी में इस बार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से सिन्हा मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की थी और उन्हें मास्टर ऑफ सिचुएशन बताया था। वहीं इससे पहले सिन्हा के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की भी अटकलें तेज हो रही थी। उन्होंने रांची रिम्स में भर्ती राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से भी मुलाकात की थी। राजद के नेता भी इस तरह के संकेत दे रहे थे कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके बड़े नेता हैं, वह पार्टी में शामिल होना चाहें तो उनका स्वागत है, पर बाद में साफ हुआ कि वह कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आगे बने रहिए अपना लाइव डॉट न्यूज के साथ, जैसी खबर होगी चुनावी हलचल आपको मिलती रहेगी। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सुझाव हमें दें। नमस्कार, धन्यवाद।